अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि अभी लोग जो है डिस्पोजिबल्स की वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ, क्योंकि डे बाय डे कोई ना कोई न्यू डिस्पोजिबल मार्केट में आ रहा है। तो आज फिर एक नया डिस्पोजिबल आप लोग के लिए लाया हूँ, बिल्कुल पैसे में भी मुनासिब है और पफ भी अच्छे हैं और वर्थ इट डिवाइस है, फ्लेवर प्रोफाइल के हिसाब से, हिट के हिसाब से। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्लाउड इसमें कम है, बट फ्लेवर की प्रोफाइल और जो फ्लेवर के इसमें ऑप्शंस हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर हैं, कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको जैसे ये दिखाता हूँ कि एक जैसा इसमें बिल्कुल ही न्यू है मार्केट का। ये देखें, चिल्ड फेंटा पीच, बिल्कुल ही न्यू फ्लेवर का मिक्सचर है। मतलब अभी तक मैंने वेप इंडस्ट्री में ऐसा फ्लेवर इतना ख़ास नहीं देखा, अगर आया भी है तो बहुत पुराना पहले कभी आया हो, क्योंकि एक बार पहले फांटा का फ्लेवर आया ज़रूर था, बट ये फेंटा पीच है, चिल्ड फेंटा पीच। अच्छा, तो गाइस सबसे पहले डिस्पोजिबल का बता दें आपको, पॉप हिट कंपनी है, ठीक है, 6000 पफ आपको दे रही है, ठीक है। 4000 रुपये का डिस्पोजिबल है ये, मैंने प्राइस भी आपको फ़ौरन ही बताई है कि 4000 रुपये का डिस्पोजिबल है। काफ़ी वेप स्टोर पर डील्स भी लगी हुई हैं इसके ऊपर, क्योंकि न्यू अराइवल है, काफ़ी डील्स लगी हुई हैं। कोई 3600 का दे रहा है, कोई 3700 का दे रहा है, इस तरह 200-300 रुपये। और ये मार्केट का उसूल ही है, आप लोग सब जानते हैं कि 200-300 कहीं ना कहीं मार्केट में कम होते ही हैं, ठीक है। पॉप हेड डिस्पोजिबल है, 6000 पफ के साथ 36 to 4000 की रेंज में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ टाइप सी केबल है, जो कि आजकल मार्केट में, अब एंड्रॉयड का तो आपको ही पता है कि इतना कोई ज़माना है नहीं, अब लोग काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं, तो टाइप सी केबल है, प्लस रिचार्जेबल है। और इसका भी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी तो मैंने बताया था कि अगर आप इसको एटलीस्ट 3 बार तो चार्ज कर सकते हैं, 3 बार चार्ज करने तक कि आपका डिस्पोजिबल काफ़ी अच्छा लास्टिंग, अच्छी लास्टिंग आपको दे सकता है, लॉन्ग टर्म आपके साथ चल सकता है ये, ठीक है। 5% 50 mg निकोटीन इसके अंदर मौजूद है, और सबसे अच्छी बात, नॉट ड्राइव फ्रॉम टोबैको, ठीक है, टोबैको की तरफ से नहीं है। दूसरी बात, टोबैको का इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, ठीक है। कुछ डिस्पोजिबल होते हैं जिसमें टोबैको भी होता है, लेकिन इसमें इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है नीचे, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चिल्ड फेंटा पीच है, मैश कोयल, मैश कोयल का मतलब वही कि आपकी फ्लेवर की प्रोफाइल बहुत अच्छी आएगी, आपका जो हिट है वो बहुत अच्छा होगा, और आपको पफ लेने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई रिस्ट्रिक्टेड पफ नहीं आएगा आपको, बिल्कुल फ्लो, बिल्कुल ओपन फ्लो के साथ आपको फ्लेवर आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लिक्विड्स इसके अंदर मौजूद हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि फ्लेवर्स इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अभी मेरे पास जो फ्लेवर्स रखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि ये वो फ्लेवर्स हैं जो मार्केट में आपको हर वेप स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला फ्लेवर ही बिल्कुल यूनिक फ्लेवर है, चिल्ड फेंटा पीच, ठीक है। सेकेंड फ्लेवर की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो है ब्लैक करंट स्ट्रॉबेरी फ्रीज। ऐसे तो स्ट्रॉबेरी ब्लैक करंट लिक्विड वगैरह में आता है, बट डिस्पोजिबल में ब्लैक करंट स्ट्रॉबेरी बहुत कम मार्केट में इन है, बहुत कम। तो ये भी फ्लेवर उसी तरह बिल्कुल यूनिक फ्लेवर है, ठीक है, ब्लैक करंट स्ट्रॉबेरी फ्रीज। और ये सारे ही आइस हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट आइस हो। ये थर्ड फ्लेवर आपको बता दूँ, रेम्बो कैंडी। अच्छा, ये तो आपके पास अभी भी लिक्विड में अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, अभी भी मार्केट में हमें ये फ्लेवर मिल जाता है 30 mg, 20 mg या 50 mg में, ठीक है। बट डिस्पोजिबल में और ई लिक्विड में बहुत फ़र्क होता है, डिस्पोजिबल की फ्लेवर की प्रोफाइल और ई लिक्विड की फ्लेवर की प्रोफाइल में बहुत फ़र्क होता है। फोर्थ वन इज़ फूजी मेलन फ्रीज, ये भी आपको ई लिक्विड में मिल जाएगा, ठीक है, बट डिस्पोजिबल में अच्छी फ्लेवर प्रोफाइल के साथ मिलता है, क्योंकि लिक्विड में थोड़ी फ्लेवर की प्रोफाइल कम आती है, इसमें फ्लेवर की प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। द फिफ्थ वन इज़ चिल्ड अलोए मैंगो, ठीक है। ये अलोए मैंगो भी BLVK की ये कंपनी है, ई लिक्विड की, जो कि बनाती है अलोए मैंगो, बट ये है कि अभी मार्केट में BLVK भी इतने इन नहीं है, तो इन्होंने वो फ्लेवर यूनिक उठाए हैं जो पहले के लोगों, पहले जो लोग जब वेपिंग करते थे उनकी प्रेफरेंस थी, और कुछ फ्लेवर इसमें ऐसे हैं 2 या 3 जो कि बिल्कुल ही यूनिक फ्लेवर हैं और बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है। अच्छा, आप कहीं से भी किसी भी वेप स्टोर पर जाके इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हर वेप स्टोर पर ये न्यू अराइवल उनके पास मौजूद होगी, ठीक है। प्लस इसी के साथ जो दूसरे डिस्पोजिबल है, मैंने उनकी भी वीडियो अपलोड की थी। खासियत देखें, तकरीबन डिस्पोजिबल्स तो सेम ही होते हैं, बस किसी में आपकी फ्लेवर की प्रोफाइल ज़्यादा होती है तो किसी में आपकी हिट ज़्यादा होती है। तो इसका अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें मैं आपके कहूँ कि इसमें फ्लेवर की प्रोफाइल और हिट दोनों मैनेज हुई हुई है, दोनों ओके है,
कोई ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लेवर की प्रोफाइल ज़्यादा है या हिट ज़्यादा है, बिल्कुल दोनों चीज़ें सेम हैं। और प्लस ये उन डिस्पोजिबल की मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ कि जिसमें अगर लेट सपोज है, जैसे इसमें अगर 6,000 पफ हैं तो 100% इसके अंदर 5,500 to 5,600 पफ तो आपके होंगे ही होंगे। अगर कोई ऐसा डिस्पोजिबल होंगे तो उनकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आप इसको परचेज ना करें, क्योंकि इस डिस्पोजिबल में अगर लेट सपोज है कि 5,000 पफ है तो उसके अंदर सिर्फ 3,000 ही निकलेंगे। अगर इस तरह की भी कोई क्वेरी आती है मेरे पास, या इस तरह के भी अगर आप लोग मुझे कमेंट करके किसी डिस्पोजिबल का बताते हैं, तो मैं उस पर भी जो है क्या कहते हैं, मैं उसको भी देख लूँगा, ठीक है, मैं उसको भी रीड कर लूँगा, लर्न कर लूँगा। अगर उसमें कुछ होगा तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को बता दूंगा। बाकी व्यूवर्स, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो मिल सके। और दूसरी चीज़, कमेंट में मुझे कुछ भी अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या किसी फ्लेवर का पूछना है, किसी डिवाइस का पूछना है, किसी डिस्पोजिबल का पूछना है, तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।